नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय राय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। शुक्रवार 23 अगस्त को CBI ने मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स आज 15वें दिन भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। इधर दूसरे संगठनों यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रही CBI की जांच के घेरे में कई सवाल हैं। CBI इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टॉवर बोल्ट टूटा हुआ मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि टॉवर बोल्ट टूटने के कारण दरवाजा कुछ समय से खराब था। CBI यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या कोई दूसरा शख्स सेमिनार हॉल के बाहर तैनात था। इसकी पुष्टि के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं कि जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुन सका। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राय के साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई हैं। CBI के अधिकारी ने बताया है कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदि था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। CFSL की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। इसी के